देखो भाई, लगभग सेम लग रहा है, लेकिन हम इसे कॉपी नहीं कह सकते। हेलो जी, कॉमन एंटरटेनर के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरा नाम है ललित और आज हम बात करने वाले हैं आदि पुरुष के टीजर के हिडन डिटेल्स के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं उन सीन्स के बारे में जो हमें टीजर में दिखाए गए हैं, कि आखिर में वो सीन्स है कौन से। शुरुआत करते हैं टीजर के पहले सीन से, जहां पर श्री राम पानी में बैठे हुए हैं। तो हो सकता है कि ये सीन श्री राम की एंट्री का हो, क्योंकि पूरी वाइब ही वैसी लग रही है। इसके तुरंत बाद हमें रावण का इंट्रो दिखता है, जिसमें वो बर्फ में लिपटा हुआ है और हाथ जोड़कर बैठा हुआ है। तो भाई, मुझे ऐसा लगता है कि ये सीन रावण की एंट्री का होगा, जहां पे वो कैलाश पर्वत उठाने की कोशिश करेगा। उसके बाद हमें रावण एक अजीब से दिखने वाले ड्रैगन टाइप पे बैठा होता है। अब सीन ये है कि हम लोग जानते हैं कि रावण पुष्पक विमान पे बैठ के घूमता था, और भाई अगर मेकर्स इस अजीब से दिखने वाले ड्रैगन को पुष्पक विमान बना रहे हैं, तो भाई कुछ गलत हो रहा है यहाँ पर। उसके बाद हमें एक सीन में श्री राम अपना तीर यूज करते हुए दिख रहे हैं, और अगर आप उस सीन को ध्यान से देखोगे तो ये सीन वही है जब श्री राम अपना तीर समुद्र में मारने वाले होते हैं। लेकिन तीर मारने से पहले समुद्र देव आके श्री राम से माफी मांग लेते हैं, और फिर श्री राम उस तीर को कहीं और मारते हैं। उसके बाद हमें टीजर में श्री राम और सीता जी दिखती हैं, और भाई मैं पक्का श्योर हूँ कि ये सीन किसी न किसी सॉन्ग का होने वाला है। इसके बाद हमें एक छोटे से सीन में हनुमान जी अल्ट्रासोनिक स्पीड से लंका जाते हुए दिख रहे हैं। इसके बाद एक एनिमेटेड सीन आता है, और मुझे लग रहा है कि उसमें जो हमें दिख रहे हैं वो बाली जी होने वाले हैं, क्योंकि भाई रामायण में बाली जी और सुग्रीव जी की फाइट होना बहुत जरूरी है, और इस फाइट का छोटा सा हिस्सा हमें टीजर में दिख रहा है। तो देखो भाई, आजकल एक फोटो इंटरनेट पे बहुत वायरल हो रही है, जिसमें एक तरफ आदि पुरुष का लोगो है और दूसरी तरफ अवतार का, और सब लोग आदि पुरुष के लोगो को कॉपी बता रहे हैं अवतार की। तो भैया, अगर ऐसी बातें होगी तो फिर कैसे चलेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप ऊपर ऊपर से देखोगे तो ये लोगो सेम लग रहे हैं, लेकिन डिटेलिंग्स में बहुत फर्क है भाई। तो बिना जानकारी के किसी भी चीज को कॉपी बोलना सही नहीं रहेगा। तो अभी तक हम लोग ये बात तो जान गए हैं कि सब लोग आदि पुरुष के टीजर से डिसअपॉइंटेड हुए हैं। मैं भी हुआ हूँ, लेकिन फिर भी कुछ परसेंट मुझे ओम रावत के विजन और डायरेक्शन पे भरोसा है। क्या पता ट्रेलर में चीजें अच्छी दिखें। तो गाइज, ये थे वो सीन्स जो हमें टीजर में दिखे, और मूवी में वो कैसे दिखने वाले हैं, और उनकी कुछ हिडन डिटेल्स भी। मैं जानता हूँ कि फाइट सीन्स बहुत अनरियल लग रहे हैं, लेकिन बाकी चीजें इस मूवी में हमारे लिए एक सिनेमैटिक व्यू होने वाली है। तो आपको ये टीजर कैसा लगा, और अगर आपके पास कोई हिडन डिटेल है इस टीजर से रिलेटेड, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही।